लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इनका नाम है राजा। ब्लैक की टिकट बेचने में ये राजा और बातों में भी ये महाराजा हैं। 50 का 100 50 का 100 50 का 100। हाँ मैडम बोलो। ढंकटक करे। हाँ 50 का 200 50 का 200 50 का 200। एक टिकट कैसा? 50 का 200। अरे क्या 50 का टिकट 200 में बेच रहा है? कितनी बेईमानी है ये। बेईमान हूँ मैं? न्याय चाहिए तो कोर्ट में जा, फिल्म देखने थिएटर में दिमाग का दही मत कर। ₹200 लेकर हम रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ बिरयानी खाएंगे। ये फिल्म तो हम कभी भी देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? मैडम किसी हीरोइन की बहन लगती है। ये फिल्म की बात कर रही, तुम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो। मुझे लगता है मैडम ये आपको फिल्म दिखाना नहीं चाहते। आप चेन दे दो, टिकट ले लो। तू मत निकाल, मैं निकाल रहा हूँ ना। ये ले, हो गया ना। सलाम साहब। क्या रे? अरे गुड्डू साहब, चमड़ा निकल जाएगा, समझा गया? सर सर, आज ही तो मैंने कमाई की, प्लीज सर। ठीक है सर, बस इतना। इनका नाम है यशुदास। इनको प्यार से दास कहकर लोग बुलाते हैं। अगर यशुदास गाना गाता है तो ये दास रिक्शा वालों का बाप है। हाँ दासू, कितना हुआ? 50 हुआ साहब। मीटर के ऊपर 5 रुपए और दो ना। क्या बात करते हो, मीटर से ऊपर मांग रहे हो एक्स्ट्रा? जाने दीजिए, मीटर के ऊपर 5 रुपए दे दीजिए ना। दे क्या दूं तुम्हें? क्या जो कमाते हैं उन्हें पता है कि पैसा क्या है? गहने चाहिए, साड़ी चाहिए, पड़ोसी ने वो खरीदा, शर्मा ने वो खरीदा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जमीन और आसमान की बात मत कीजिए, अच्छा नहीं होगा। क्या जमीन और आसमान की बात करती हो? इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने मेरे गले बांधा और मैंने सर पे बिठाया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, मेरे 5 रुपए के लिए आप अपना बसा बसाया घर बर्बाद मत कीजिए। रिक्शा खाली जाएगा इसीलिए मांगा था। अच्छा तो अपनी खाली रिक्शा लेकर वहाँ बस स्टॉप पे कुछ लोग होंगे वहाँ चले जाओ। चले, बनारस की साड़ी मांग रही थी ना, तो यहाँ क्या? चलो। हेलो, इधर आइए। तुम चलो, अब क्या है, मैं तुम्हें 5 पैसे भी नहीं दे सकता। आप अपना पर्स छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू बेटा। मुझे आपका थैंक्स नहीं चाहिए, आप और जाके 3 लोगों की मदद कीजिए। आपके बेटे में 300 रुपए मुझे उनसे प्यार है। अरे वो गांधी बापू का नाम रख करके एक चोर की जिंदगी जी रहे हो। खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, टाइम पास करने के लिए चाय और कॉफी, जगह जगह पर उधार लेकर के, ये कैसी जिंदगी है यार। एक दिन आएगा राजा, जरूर आएगा। ठीक है, अपना भी एक दिन आएगा, जरूर आएगा। ए भाई सुन, दो समोसा, चाय। एक चाय। ए, समोसा के साथ चाय दिया या चाय के साथ समोसा दिया? दिमाग नाम के कोई चीज नहीं है क्या तुझे? ले जा, हर रोज आएगा। कभी तुमने कहा कि 1 रुपया रख लो? गंदा साला, अपने आप को साला समझता है। ये लो चाय पी लो, शक्ल देखा आईने में अपनी? बाप का माल समझ के रखा है जो फोकट में चाय पिला रहा है। सेठ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर चाहिए तो पगार में से पैसे काट लो, ज्यादा बोलना मत।
साले चर्बी चढ़ गई है। साले तेरी जवान खींच लूंगा। इसका नाम है सोनू। चलने के लिए पैर नहीं, ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अपने आप को मुंबई का बेटा समझता है। हेलो, आई एम श्रीनिवास सोनू, रिलायंस मैनेजर। बोलो साहब, क्या चाहिए? आपके बॉस हैं क्या? नहीं साहब, बाहर गए। मुझे भी वही चाहिए। अगर तुम्हारा बॉस आए तो फोन करने को बोलो। मेरा नंबर है ना? नंबर है ना साहब। कौन सा नंबर? 236-00615। ये क्या बे, अपने सेल नंबर की जगह किसी का लैंडलाइन नंबर है? अपना घर कहाँ है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये अपना ही घर। चलो। तो फिर ये किसका नंबर है? अपने घर पे कब्जा हो गया तो ये कौन कर रहा है अपने घर पे कब्जा? आप फिकर मत कीजिए बॉस, उस साले को फोन करके यही बुलवा लेते हैं। कर फोन भाई। लो घंटी जा रहा है। फोन दे इधर। हेलो, कौन? ये नंबर आप ही का है क्या? नहीं, पड़ोसी का। क्या चाहिए? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो साहब? टूलेट बोर्ड पे ये नंबर लिखा है, घर किराए पे देना है क्या? टूलेट बोर्ड है ना, वहाँ पे भाड़े पे देने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। अरे साहब, इतना गुस्सा क्यों करते हो? जरा आप घर दिखाएंगे? हाँ, आ रहा हूँ मैं, वहीं पे रुको। आइए, मैं यहीं पे हूँ। हाँ, आपने फोन किया क्या? हाँ साहब, साहब ये अपना ही घर है ना? कुछ शक? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा, चलो घर दिखाओ, चलो। हाँ। अरे चाबी तो भूल ही गया, जरा पत्थर दो, मैं इसे तोड़ता हूँ। अभी पत्थर क्यों चाहिए? हमारे पास कुछ चाबियां हैं, इससे कोशिश करते हैं ना। भाई ये तो लग नहीं रही है। भाई खुल गई। अरे अंदर ले इसको। अरे क्या करते हो? हमारे घर को अपना घर बोलता है, बहुत ज्यादा शाना बनता है तू। हाँ, ये इसका समझ ले। भाई वो लोग आ रहे हैं। आने दो सानों को, आज तो नहीं छोड़ेंगे उसे। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, एक टिकट 100 रुपए, एक टिकट 100 रुपए, 100 रुपए। ए, थोड़ा कम करना है। करेंगे 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। क्या कर, उधर से ले ले। 90 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। 80 80। 80 नहीं 70 60 60 60। हाँ, 50 40 40 40 40 ले लो सर, 40 में जाओ। चलो लाला, बोलो 50 50 50। इधर जो भी थिएटर और सिनेमा सेंटर है उसमें अगर टिकट खरीदनी हो तो सिर्फ मेरे से ब्लैक खरीदने का, एवरग्रीन नो एवर ब्लैक। हाँ भाई चल। हाँ ठीक है, चलता हूँ भाई। क्या हुआ? अपन को धोखा दिया। अरे कौन है वो? बोलो उसे क्या उल्लू बनाया यार, मजा आ गया। एक मिनट, ये जगह ठीक नहीं है झगड़े के लिए। जगह तेरा या मेरा, चल देख लेते हैं। मैं नहीं मालूम, चल ग्राउंड में चलते हैं। ये बात ठीक है, चल चल चल, देखते तेरे को। नहीं भाई, साले मारने के लिए वापस आए। पास तो आने दे। मेरे बाजू में अगर खाली है, उसमें जो पहले रहते थे ऊपर चले गए, अगर आप आएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। हेलो, फोन रखता है, रिचार्ज करा। डाल के बताता हूँ तुम लोगों को। आना आना। अबे कल थिएटर आना, बताता हूँ। आया बड़ा। अबे देख लूंगा कितनी ताकत है तुम लोगों को। ये क्या दिल चाहता है कि हीरो की तरह पढ़े हम लोग? चलो रूम पे चलते हैं। अगर ये टाइम पे रूम पे जाएंगे तो वो लिंगम पीछे नहीं छोड़ेगा। थोड़ा दो करके दिमाग खराब करता है। मेरे पास 20 रुपए हैं। नंगे नाचेंगे और क्या। ए, 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 ए,
मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। हाँ, उस 20 रुपए से बावर्ची का बिरयानी खाएंगे और बचेगा तो 5 रुपए से सेकंड शो पिक्चर चलेंगे, ठीक है? ए, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ले पकड़। अब उनके पास खाली 30 रुपए है, ये ले मेरे भी 20। मेरे पास जो 1 रुपया था उसे जबरदस्ती फोन करवाया, वहाँ पे लोगों ने मुझे मारा भी और मुझसे पैसे मांगे। तू जाके बोतल लेके आ। ग्लास कहाँ से लाऊं? दुकान में जो पड़े हुए गिलास होते हैं वही उठा ला। अरे यार शराब तो पी गए, अब खाने के बारे में क्या करें? कौन अबे वो? अबे शराब पीने के बाद तो लोग आइटम के बारे में सोचते हैं और तू खाने के बारे में सोचा, तेरी तो अबे इसमें सोचने की क्या बात है, मल्लिका जैसी जो सीधा अपनी है। इसका नाम सीता है, बेचारी अनाथ है, उन चार लोगों को कभी कभी खाना खिलाती है और चारों लोगों को अपना सिक्योरिटी मानती है। बिल्कुल सही कह रहे यार, तू कसम से। अरे यार एक घर होना जरूरी है, हम लोग चोरी भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी सेटल हो जाए। मस्त आईडिया है यार, चल। दीवार पे चढ़ नहीं सकता, इसलिए तो गेट से आया। मरोगे नहीं तो तुम लोग हमें मार डालोगे। पूछोगे नहीं क्यों? नहीं बोलूंगा। अरे हमें माफ कर दीजिए सर। कैसे बोलूं, जो गलती किसी को मालूम नहीं, जो धोखा तुम लोगों ने दिया है। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर। गलती छोटी हो या बड़ी हो, बंदूक तो बड़ा होना चाहिए सर। हम जैसे बेचारों को मारकर आप नरक में जाएंगे सर। नरक? अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ उससे बड़ा नरक नहीं होगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा सपना देख रहे हो क्या? सपना देख रहे हो? सपने में मैंने ये देखा कि मैंने बंदूक से चार लोगों का सफाया कर दिया। पूछोगी नहीं किसका? पूछूंगा तो नहीं बताओगे? उन्हीं लोगों का जो ऊपर रहते ना उनका। इक्री आ गए ना, वहाँ बुला रही है क्या? नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे मालूम है ना? मालूम है ऊपर। अरे सुनिए, आ रहा हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर जाके थोड़ा हालचाल पूछ कर आइए ना। उसी काम के सिलसिले में जा रहा था, वापस क्यों बुला लिया? आज वो लोग रहेंगे या फिर मैं, इनका तो। अबे तुम लोग कहाँ मर गए, बताओ कहाँ मर गए? क्या करोगे? क्या रे, जो थोड़े से पैसे हैं उन्हें भी कर्जदारों को भिखारी की तरह घुमाकर, गधे मुझे कर्जे में रखकर, मुझे पागल की तरह पप्पू बना के रख दिया, मुझे समुंदर का पानी पिलाकर, मुझसे छुप छुप कर जी कर, क्यों तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या रात को 12 बजने के बाद भी तुम लोग अंदर नहीं आते और सुबह 5 बजते ही घर से तुम लोग बाहर? घर को अगर ताला मार दिया तो भी तुम लोग खिड़की खोल कर बाहर चले जाते हो? तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? मेरे 4 महीने का भाड़ा कब दोगे बताओ मुझे? ए, चाहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ, पूछोगे नहीं क्या करूंगा तुम्हारा? क्या करोगे? तुम्हारे पैर पड़ूंगा, तुम लोग रूम का खाली करोगे, तुम लोग घर का किराया देकर मेरा घर खाली करो। चाचा जी 2 दिन में दे देंगे चाचा जी? थोड़ा समय और दे दीजिए प्लीज, थोड़ा समय। मरने के बाद दोगे क्या? जल्दी से जल्दी तुम लोग मेरे पैसे दे दो, मैं अपनी बीबी का टॉर्चर नहीं सहन कर सकता। अरे बाप रे, किराए के पैसे के लिए 6 फुट का कब्र क्यों खोद रहे हो? नालायको, तुम्हारे नाम पे मैं मंदिर में पूजा और आराधना करवाऊंगा, अंतिम यात्रा मत करो। बात करते हैं चाचा जी, इस समय अपने आप को संभाल लीजिए चाचा जी। चाचा जी टेंशन नहीं ले लीजिए चाचा जी, है ना? अरे नालायको, जाकर तुम लोग पहले चराने का छुट्टा ले आ। तुम लोग मुझे अलग मत करो, अगर तुम लोग हाँ बोलोगे तो मैं पैसे कमाने का तरीका बताता हूँ। क्या है तरीका पूछो तो? क्या है चाचा जी? ये शिवरात्रि को जगरात है क्या? नहीं, मेरा दिन मनाओ ना लायको। बोलिए ना, इस शिवरात्रि को अपने कॉलोनी में एक प्रोग्राम है,
क्या प्रोग्राम है पूछोगे नहीं क्या? पूछा तो था। किस लिए? तुम लोग इस प्रोग्राम में भाग लोगे और तुम्हें जो पैसा मिलेगा वो पैसा मुझे ला करके दोगे, मेरा कर्जा उतरेगा। क्यों, क्या कहते हो? बोलो तो सही। आप बोलोगे इसलिए। ठीक है फिर, उस डांस प्रोग्राम से तुम लोगों को पैसा मिलेगा, उस पैसे से मेरा कर्जा चुकाओगे, बोलो कैसा रहेगा? ठीक है, अगर इसके बारे में काटराज को मालूम ना पड़ा तो। है ना, बीच में इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस लेना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। मजा आ गया। अरे मालिश में तो तू राजा है। भाई कौन है रे? भाई मैं नहीं हूँ। कौन उधर बक बक कर रहा है? बोलना। भाई शिवरात्रि को अपने कॉलोनी में डांस प्रोग्राम है, उसमें तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? आप नहीं भाई, हमारे साथ गोरी गोरी छोरियां तो कर लो ना। आपसे पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। वो क्या है ना भाई कि आप हमसे बड़े हैं ना, इसीलिए हम लोग इतना अच्छा नाच लेते हो क्या? भाई ये लोग हीरो से अच्छा नाच लेते हैं, कैसे पूछो तो सही। भाई जबान फिसल गया, काट दूंगा। छोरियों को अपने बारे में बता देना। चल तू दबा। साला कंजूस, होटल आके कहा चाय पीकर पैसे खर्च होंगे, इसलिए साले घर से लाकर चाय पी रहे हैं। एक पेपर भी साले नहीं ला सकते। सालों की शक्ल तो देखो, मंदिर में बैठे हुए भिखारियों की तरह। देखो कैसे साले चोर की तरह दिख रहे हैं, चोर साले। अबे पैर नहीं दिखता क्या? हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको दिखाई दे रहा है क्या पेपर में क्या लिखा है? चोली की भिजी क्या है? चोली की नमस्ते सर। रात को जो छम्मा छम्मा छोरियां नाच रही थी, क्या बात है, क्या जबरदस्त नाच रही थी। क्या रे अपने जो लोग थे वो क्या कम है? किस लिए? तू ये तो बता, हमारे लोगों का पैसा कहाँ है? पैसे देने अंदर जा रहा है क्या? तो फिर जाकर आ। अरे सुन तो, बताएगा नहीं कहाँ जा रहा है? क्यों बताऊं? रात भर जागने के बाद उनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। एक काम कर, पैसे इधर दे। ज्योति, ज्योति, अरे देख तो, इतना बुलाने के बाद भी नहीं सुनती। मैं बाहर खड़ा होकर बुला रहा हूँ। अरे कोई मर गया, ऐसे क्यों तुम चिल्ला रहे हो? बोलो क्या बात है? अरे कोई नहीं मर गया अपने घर में। हाँ? जो भाड़े पे रहते थे मैं उनसे किराया वसूल करके आ रहा हूँ। हाँ? सच में? पूछो तो सही कैसे हुआ है सब? कैसे? रात को जो डांस प्रोग्राम हुआ था ना, उसी पार्टी से मैं ये रुपए लेकर के आ रहा हूँ। अरे क्या कर रही हो, इस तरह गले मिलती हो, पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हो गई है, पैसे का कमाल है। क्या मतलब है तेरा? अपने बाप से ज्यादा पैसों की पड़ी है तुझे? बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया है ना। रुक पहले। मैंने गले मिलने के लिए नहीं कहा, पैसे दो। थोड़ा रुक तो सही। जो ऊपर बैठे हैं उनको ये पैसे मैं दिखा के आता हूँ। पूछ क्यों? उनको भी पता चले कि मैं कितना बड़ा सियाणा हूँ। हाँ हाँ, आजकल तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। चाहिए वापस आओगे ना? अरे राजा, अरे दासू, अरे सोनू, अरे रुको, अरे क्यों रुको बोल। अबे कौन है बे साला? अबे साला नहीं हूँ मैं, साला का साथी हूँ। अरे चाचा, चाचा जी बोला था ना फूलों के बीच में सुबह पैसा रख दूंगा। फूल नहीं है साले तो क्या? पूछ तो कौन आ चुका है? अबे पूछता क्यों नहीं? तो कौन फिर आया चाचा जी? प्रोग्राम का इंचार्ज। वो कहे को आया है? रुक, यहाँ पे क्यों आया? पूछा नहीं इसलिए पूछ रहे हो क्या? पूछते हैं चाचा जी। तो फिर पूछोगे नहीं क्या? बताइए ना चाचा जी। पैसा देने को आया। पैसा के लिए? पूछोगे नहीं कितना? कितना चाचा जी? 5,000 रुपया। 5,000? 4 महीने का किराया और लाइट बिल 4,000 और बाकी 1,000 बच गए। 1,000 अगले महीने का एडवांस, ये भी मैं रख लेता हूँ। आयुष्मान भव, ऐसे ही रहो बच्चों। आप महान है चाचा जी, हमें आप पे गर्व है चाचा जी। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है। आप ये पैसे हमें दे दीजिए, ये पैसे हम फूलों की तरह रखेंगे चाचा जी। हमें एक मौका दीजिए, हम साबित करेंगे। हाँ चाचा जी, हम मंदिर में जाके आपके नाम की पूजा करेंगे। पहली बार इतने पैसे कमाए ना, मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे, इससे भी ज्यादा कमाए, ऐसा मेरा दोस्त कहता है। सही है ना? हाँ चाचा, बहुत अच्छा विचार है। ये लो 5,000। रुको, ये 10 रुपए भी ले लो। रुको, किस लिए पूछोगे नहीं? वो क्यों चाचा जी? पूजा का सामान नहीं खरीदोगे क्या? किस लिए चाचा जी? ठीक बोला, इसलिए तुम्हें 10 रुपया मैं दे रहा हूँ। नारियल? हाँ, ये लो 10 रुपए। शुक्रिया चाचा जी। जल्दी से आ जाना, आते वक्त भगवान का प्रसाद फूल और नारियल लेते आना।
ठीक हो गया? यार दिल नहीं मानता। भगवान कहा नहीं है आगे पीछे हर जगह है, तो भक्तों नारियल जहाँ चाहो वहाँ पर फोड़ो। भगवान तो हर जगह होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर में ही हो। प्रसाद यहाँ से लो या फिर वहाँ से ले लो। क्या बात है दोस्तों, तो चलो अब वो घड़ी आ चुकी है, हमें बुला रही है, चलो। भगवान को गुस्सा आ जाएगा यार। भक्तों को माफ करना ही भगवान का काम है यारो। जब नई पिक्चर लगती है तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। एक नारियल मार के भगवान का प्रसाद स्वीकार करो। भगवान जी हमें माफ कर दीजिए। हाय, मैं हूँ सुंदरम, सरपंच का बेटा। मैं बार का सेठ हूँ। सेठ नहीं है तो क्या हुआ? अरे सेठ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेला ही इस बार का मालिक हूँ। Everybody enjoy, come on! I'm the owner of the bar. Come on, I'm the owner of the bar. Come on, enjoy everybody, enjoy. Order बोलिए सर। वो लड़की चाहिए, आएगी क्या कुछ? क्यों चौंक गए? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये पहले ऑर्डर दीजिए, बाद में देखते हैं। एक फुल बॉटल विस्की, एक बोतल सोडा और 2 किलो चिकन लेके आ। ओके सर। हेलो, ये 1000 का नोट लो और इसके 10-10 के नोट लेके आओ। भाई आज तो काम हो जाएगा ना साहब? फिक्र मत करो, काम हो जाएगा, चलो। ओके, हो जाएगा रे। ठीक है, ठीक है सर। कह रहे बेल है सर। बेल है? चल बेल सर। बेल मांगता बेल, ये ले ऐश कर। अरे यार इसको लगता है ज्यादा चढ़ गई। सुनिए जी, पैसे दीजिए। पहली बार कमाए हैं ना, मंदिर जाके पूजा करके लाएंगे। ठीक किया ना, अच्छा विचार है। जरा सुनो, कॉफी लाओगी? चाय अभी लाती हूँ। कब के गए हैं वो लोग, अब कब आएंगे पता नहीं। ये लोग कब आएंगे हे भगवान? कहाँ है वो लोग? आते होंगे। कब? अभी। पूजा हुई नहीं अभी तक। लगता है मुझे चूना लगा के गए। पूजा वूजा नहीं करने गए, हम लोगों को बेवकूफ बना के गए हैं। अबे तू बोल मत। किस लिए? मुझे पहले से ही टेंशन है, बीच में तू मत बोल। अब ज्यादा ही सीरियस लेना पड़ेगा। ज्योति हाँ? मेरा सिर दुख रहा है, थोड़ा सा कोई बाम लगा दो ना। बेटा तेरे पापा को जरा बाम तो देना। ज्योति हाँ? उसी हाथ से थोड़ा सा चाय भी लेकर आना, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चाय। चाय पियोगे तो? चाय पियोगे? अमृतांगन बहुत स्ट्रॉन्ग बराबर। रुको, ये पकड़, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। पैसे कहाँ है बता? पैसे ये लीजिए। ये क्या है बे? पैसे बचे हुए 4,999 रुपए कहाँ है बता, जल्दी बता। वो सब तो खत्म हो गए। पैसे लाए हो तो अंदर आओ, अगर तुम लोग खाली हाथ आए हो तो
मेरे हाथ से तुम सब लोग मरोगे। चाचा जी ऐसा मत करो चाचा जी, जरा बात को समझो। इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे चाचा जी? अभी हम लोगों को छोड़ दीजिए चाचा जी, हम सुबह बात कर लेंगे, ठीक है? अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा तो अच्छा खासा मेरा जिंदगी चल रहा था साले कमीने कुत्ते, आज मैं तुम लोगों की वजह से अपनी बीबी की नजर में नीचे गिर गया हूँ। माफ कर दो। मैं माफ नहीं करूँगा, मैं माफ नहीं करूँगा तुम लोगों को। क्यों किया ऐसा? हमें माफ कर दो चाचा जी। नालायको, भगवान भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। मंदिर जाएंगे बोल कर साले बाहर भेजा के पी कराते हो साले प्योड़े। नालायक, मैं तुम लोगों को घर से निकाल के रहूँगा। चल सुनो यार, चाचा जी हम लोगों को बेवड़ा बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, आज रात हम लोग कहीं और रुक जाते हैं, सुबह आके चाचा जी से बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, सीधा का घर चलते हैं। तो अब क्या करेंगे यार? चलो यार कहीं चलते हैं। अरे यार देख वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई, चलो वहीं पर चलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ चल ठीक है, देखते हैं। उधर देख क्या पीस है। हाँ हाँ झकास लग रही है, चल पीछे बैठ जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आना। अरे यार ये ब्रेक भी कभी कभी ना। दादा मैं संभालता हूँ। अरे अभी तक खड़ी है तू, बैठना। क्यों चलूँ, यहाँ पे तो चार है, पैसे ज्यादा लगेंगे। चार है? ये कौन है? ए कौन हो तुम लोग? चलो भाई चलो यहाँ से उठो, चलो। अरे उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ पता नहीं कहाँ से ट्रक में चढ़ गए। अरे अपने बाप दादा का ट्रक समझ रखा। हाँ चल तू ऊपर आ जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। हाँ चल चल ऊपर आ जल्दी। हाँ हम लोग इस हद तक गिर चुके हैं, उसका जिम्मेदार ये है कमी। अरे मुझे क्यों दोष दे रहे हो, हम सब लोगों ने पी रखी थी। किराए के पैसे तो वो भी चले गए, अबे हम चाचा जी को क्या देंगे। इस पोगू ने साले ने सारे पैसे लड़कियों पे खर्च कर दिए, अब ले मजा जी। तू मुझे क्यों बोल रहा है, तू भी तो उस लड़की के साथ हीरो की तरह डांस कर रहा था। तू भाषण देना बंद कर। अबे वो देख सामने एक गाड़ी है, चल लिफ्ट मांगते चलो। रुको लगता है कोई दादा है। इतने सारे लोग गाड़ी से क्यों उतर रहे हैं? ऐसा लगता है इन लोगों ने कोई मर्डर किया है, चलो यहाँ से। अरे रुको यार। अबे यार मेरे तो अभी पसीने छूट रहे हैं। इससे ज्यादा डर तो मुझे चाचा से लगता है जो घर पे इंतजार कर रहा है। इसका उससे क्या मतलब? देखिए जो लाश वहाँ पड़ी है उसके गले में चेन है, लगता है वो चेन सोने का है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो चेन हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगे। अभी तो पागल हो गया, वो लाश है। अबे इसके चक्कर में मत पड़ो, ये हमें ही मरवाएगा। जल्दी से निकल, चलो यहाँ से निकलो यहाँ से। मरवा नहीं रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसे की हमें सख्त जरूरत है, आधी रात को हमें कौन उधार देगा। तेरा मतलब क्या है? हम कोई सरकारी नौकरी करने वाले तो दिखते नहीं जो हमारी सूरत देखकर कोई उधार दे देगा। ऐसा ही लगता है। मैं किसी का कत्ल या बलात्कार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि वहाँ जो लाश दफन किया गया है उसके गले में से चेन निकाल लेते हैं। चलो जल्दी चलो। चला जा चलिए। ये पर्स मिला, इसको मैं रख लेता हूँ। छी
अरे यार, हम लोगों ने तो लाश को बाहर निकाल लिया, अब इसको अंदर कैसे डालेंगे? कब्र में तो पूरा पानी और मिट्टी भर चुका है, अब क्या करें? ए, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी नहीं तो सुबह तक पुलिस वालों को पता चल ही जाएगा। हमने चेन और अंगूठी के लिए लाश को बाहर निकाला, अब लाश पूरी तरह भीग चुकी है, पुलिस के कुत्ते सूंघ के हमें ढूंढ लेंगे। अब क्या करें यार? ए, लाश को अब वापस कब्र में डालना बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, इस लाश को उठाकर नदी में डाल देते हैं। तो एक काम कर, तू रोड पे खड़े रहना, अगर कोई गाड़ी आएगी तो हमें इशारा कर देना, हम लाश को वहां पर लाते हैं। जा, ठीक है, चलो। इधर ले गया। अरे बाप रे, अब तुम्हारे घर पकड़े गए सर। गाड़ी वापस आ गई। नमस्ते साहब। अबे कौन हो तुम लोग और आधी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हमारे चाचा जी है साहब, इन्होंने शराब ज्यादा पी ली थी तो हम इन्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं। ये दारू किसने पैदा किया है, है? लेकिन जिसने भी पैदा किया है कमाल है, उसको मैं सलाम करता हूँ। देखो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मर गया है लेकिन जिंदा है। दारू पियो तो मेरे जैसा, नहीं तो मत पियो। अगर पी लिए हो तो ठीक से खड़े रहने का हिम्मत होना चाहिए। लेकिन तुम लोग थाने जा रहे हैं सर। है, थाने पे कहाँ रहते हो? शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। कॉलोनी में सर। अरे कॉलोनी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ चढ़ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। आपकी तकलीफ करते हैं, हम लोग चले जाएंगे। क्या इतना नखरा क्यों कर रहा है? एक तो बारिश ऊपर से पिया है, सारी उतर जाएगी साले। चल बैठ जा, बैठ जा। सर, सर, अरे चुप। क्या पिया हो मामा? वो विस्की सर। बियर सर। ओ कॉकटेल बियर है। अरे कॉलोनी में कहाँ रहते हो? निगम चाचा के घर पे। अच्छा, निगम के यहाँ। हाँ हाँ, चलो सर, यही हमारा घर। बस यही रुको। थैंक यू वेरी मच सर, हम इसे लेकर जाते हैं, आप जाइए सर। ठीक है, छोड़ जाऊंगा, जब तक अंदर नहीं जाओगे यही रहूंगा। संभाल के ले जाओ। आजा बेटे, संभाल संभाल के ले जाओ। ठीक है सर, संभाल के ले जाओ, संभाल के ले जाओ, उसे आराम से उतारना। पकड़ो, मैं चाचा को आवाज देता हूं। संभाल के जाओ, संभाल। चाचा जी, चाचा जी। अबे कौन परेशान कर रहा है आधी रात को? अरे तुम लोग, बिना पैसों के अंदर नहीं लूंगा बोला। इतने सारे पैसे कहाँ से? चाचा जी हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप चाबी देते हम उन्हें लेकर जाते हैं, थोड़ा जल्दी। हाँ हेलो चाबी, मुझे भी उनसे मिलना है। अरे क्या कर रहे हो जी, सामान बेच रहे हो क्या? वो तुम्हारे चाचा जी से मिलता हूँ मैं। ठीक है सर, 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। लेके जाओ, जाओ जाओ ठीक से। सर, 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 थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ले सर, थैंक यू, मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी लिया ना, लेके आ। संभाल के, संभाल के। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गए? अबे ये क्या कर रहा है? लाश की बदबू हटाने के लिए। तेरी माँ की, तेरी वजह से तो लाश उठाना पड़ रहा है साले, अब क्या करेंगे हम लोग? अबे भूत की तरह मत बैठ, हमें कुछ आइडिया दे। मुझे भी मार कर लाश के बगल में सुला दो। अरे यार देख, तू इतना सीरियस मत हो यार, इस लाश को देखकर मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए मैंने तुझे गलत कह दिया। I'm sorry यार। क्या सॉरी? ये क्या मैंने अपने लिए किया? मैं तुम लोगों को बचा रहा था। अरे यार इस तरह मत बैठ, कुछ तो बोलना यार। बहुत भूख लग रही है। कुछ तो बोलो तुम लोग। तो इस तरह बोलेगा तो ये लोग सोच भी नहीं सकते। देखो इन लोगों का मुंह कैसे मुर्दे की तरह हो गया है। मुझे तो भूख लग रहा है, मैं बाहर जाकर के बिरयानी और विस्की लेकर के आता हूँ, तुम लोग इंतजार करो। अरे यार सुबह तक इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, तेरा ऑटो कहाँ है? अगर इस वक्त उसके पास जाऊंगा ना, उसने पी रखी है, जान से मार देगा वो मुझे। ए भाई, तू अपने रिक्शे वाले दोस्त से रिक्शा लेकर आना। ठीक है, हम लोग कोई गाड़ी या रिक्शा लेकर आते हैं, तुम यहीं पर रहो।
मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, इस बीच में गांधी तेरे लिए बिरयानी और उसकी लेकर आएगा ना। फिर भी मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अगर हमने ठिकाने नहीं लगाए तो सुबह तक सबको जेल देखनी पड़ेगी। देख भाई, तू जल्दी आना। हाँ अरे यार, वो जल्दी से जाके आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। जल्दी आना भाई। लाश के साथ तो बहुत डर लग रहा है, जाने कब आएंगे वो लोग। मेरा क्या हो गया? लाइट क्यों बंद है? अरे सोनू, सोनू, अरे सोनू, 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 ए सोनू, दारू लाया हूँ, दारू। क्या है यार? तेरी माँ की। मैं तो सोचा तू गया काम से, मैं तो डर गया था। अरे यार, ऐसे ही नाटक कर रहा था, सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, डर गया ना तू, डर गया। ठीक है, वो लोग कहाँ गए? गाड़ी लाने गए हैं। ये दारू और बिरयानी खा ले, चलो उसके बाद हम लोग गाड़ी लेकर के आते हैं। तुम भी जाओगे क्या? मैं जाऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। हाँ जाना, मैं क्या डरता हूँ क्या तेरे बाप की। जल्दी से देखिए कुछ आ रही है। ऑटो 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 रुक। शिट, ऑटो 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 ऑटो। अरे नहीं नहीं, जाना, हटना भाई, जाने देना, काय को रास्ते में दिमाग खराब कर। चल हट, चल चल चल, जाने दे। नहीं रे बाबा, चल। अरे रुको, बहुत दिन हो गए तुम्हें मर के। कुछ खाया क्या? नहीं, मैं खिलाता हूँ भाई। लो भाई, लो ना भाई, उठो ना भाई, भाई लो, भाई सॉरी, बिरयानी खाओगे भाई? अभी लाता हूँ। करो आ करो, लो, मुंह खोलो। बिरयानी खाओगे? बिरयानी नहीं खाओगे? दारू चाहिए? अभी देता हूँ। मुंह खोलो भाई, दारू लो। अच्छा है ना? अब क्या करे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? उसको दारू और बिरयानी दे के आ रहा हूँ। वो अकेले वहाँ पर डर रहा होगा और तू यहाँ पर आ गया। तेरे 1 करोड़ मेरे 1 करोड़। आ जा, आये मुँह खोल ना। मैंने कहा ना मुँह खोलने के लिए। खा जा। खाना हो गया, आप सोते हैं। अभी सोते हैं, अच्छे से सो जा। ये लो तकिया। क्या करता है? मैं भी बाजू में सो जाता हूँ। अरे वाह, आ जा, तू हाथ डाल, मैं पैर डालता हूँ। मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है तेरी तो? अरे देखो यार, लाश है। अबे रात भर तू उसी के साथ तो सो रहा था। कौन आया? अरे यार, लाश को जल्दी से कहीं छुपा। जल्दी ठिकाने को अरे सीता, तुम यहाँ? ये क्या, रात को जो पिया उतरे नहीं क्या? क्या टाइम हो रहा देखो तो। अरे वो बिजनेसमैन चाचा कहाँ है?
निगम चाचा बोल रहे थे कि कोई आया हुआ है, कहाँ है? सो रहे हैं सीता। तुम लोगों ने उन्हें भी पिला दिया? पिलाने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही पी चुके हैं। लेकिन ये तो बताओ कौन सबके है लिए वो चाचा जी हैं? वो क्या है ना कि वो इसके चाचा जी हैं। जब इसके चाचा जी हुए तो हम सबके चाचा जी हुए ना, इसके कहने का मतलब ये है। करेक्ट बोल रहा है। तुम लोग आपस में क्या फुसफुस कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ क्या बात है। दरअसल सीता बात ये है कि असल में क्या बात है। देखो सीता, मैं जो कहने वाला हूँ ना उसे आराम से सुनना, डरना मत। बात क्या है बताओ तो सही, तुम लोग इतने टेंशन में क्यों हो? वो जो वहाँ पर सोया है ना, वो इंसान नहीं है। फिर वो कौन है, बोलो तो सही। लाश है। लाश? बाप रे, तुम लोगों ने इतना घटिया काम किया। अगर घर में लाश रहे तो लोग सोचते हैं कि कैसे उसका संस्कार करें, और तुम लोग हो कि कब्र से उठाकर उसे घर पर लेकर आए हो। तुम लोग इंसान नहीं राक्षस हो। तुम लोगों से दोस्ती? बाप रे, मुझे तो सोचते हुए डर लगता है। कभी मुझे मुंह मत दिखाना तुम लोग। सीता गुस्सा मत करो, हमारी बात को समझो। इस लाश का हम लोग अब क्या करें? इस लाश के साथ हम लोग खुद लाश बन गए हैं। प्लीज। ठीक है, लेकिन इस लाश का क्या करोगे, कुछ सोचा है? कहाँ है वो बिजनेसमैन? मैं उन्हें देखना और मिलना चाहता हूँ। वो क्या है कि वो अभी बिजी हैं। अबे बिजनेसमैन है इसलिए वो बिजी रहते हैं, उनका प्रॉब्लम है। उनसे मिलना ही मेरा बिजनेस है। किस लिए पूछोगे तो दिस इज नॉट योर बिजनेस। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा हाथ उनके हाथ में देकर चेक हैंड करके हाथ मिलाते हुए अपना परिचय कराना चाहता हूँ। भांजे कहाँ गए? बिजी है वो। मैं तुम्हारा चाचा हो सकता हूँ तो तुम्हारे चाचा जी भी मेरे भाई हो सकते हैं, समझ गया ना बच्चे? भांजे कहाँ पे हैं तुम्हारे चाचा? यहाँ है। यहाँ अभी तक उठे नहीं? असल में बिजनेसमैन है ना, असल में जिंदा है ना, या फिर तुम लोगों ने इन्हें मारकर पलंग पे सुला दिया? मरा हुआ है। किधर? मुझे कैसे मालूम पड़ा, यही सोच रहे हो ना? हर बार परेशानी में रहोगे या फिर नींद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि कोई मर गया, ऐसा मैंने डिटेक्टिव बुक में पढ़ा था। यही बात उन्हें बोल के मैं उन्हें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता हूँ। भांजे इनसे अभी सो जाओगे? ए जी, उन्हें उठाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा। उठकर किसी को मारना गाली देना उनका काम है। उन्होंने आपको मारा तो हम लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, समझो ना चाचा। फिर कभी तक उठेंगे? जब पी हुई उतरेगी तब। कब तक उतरेगा नशा? उठेंगे तब। उठेंगे तो क्या करेंगे? फिर पियेंगे। फिर पी के क्या करेंगे? अरे चाचा जी हमें परेशान मत कीजिए। जब ये उठेंगे ना तो सबसे पहले हम इनको आपसे मिलवाएंगे। अभी जाइए आप, प्लीज प्लीज जाइए ना। जाता हूँ। थैंक्स। पूछोगे नहीं क्यों? पूछो। वो क्यों? अगर वो उठेंगे तो तुम लोग मुझे बुलाओगे। हाँ। तुम बुलाओगे तो मुझे आना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए। रात को कैसे भी करके इस लाश को ठिकाने लगा देना। संभल के रहना। ए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए ऑटो में लेकर जाएंगे, चलो। ओके। रिया, प्यार के लिए कुछ भी करो ऐसा किसी ने कहा था? ए, तूने कभी किसी से प्यार किया है? सड़ेला प्यार व्यार का चक्कर हम नहीं जानते भाई। मस्ती से खाया पिया, रात को बीवी के साथ टीवी देखा और आराम से उसके साथ सो गए। ये लव मैरिज किस लिए भाई? बहुत समझदार लगते हो। हाँ, जवानी में हुआ तो यही होता ना भाई। अरे चुप 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 यार, चुप कर। नीचे सर करो, चुपचाप निकल ले, ऊपर सर मत करना। अरे अरे सामने से हटो भाई। अच्छा तो तुम लोग हो, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नमस्ते भाई। जाओ भाई। चल, चल, निकल। चल। सनी चकर, नीचे कर। इसको भी अभी आना था। ए लड़की, तू अंदर चल, मैं बताता हूँ इनको। इन कमीनों सालों की नजर हमारे घर पर ही रहती है, अभी बताता हूँ इनको। भाई वो बुड्ढा अपनी तरफ ही आ रहा है। मैं कौन हूँ मालूम है? जब तुम बोलोगे तो मालूम पड़ेगा ना। मेरे इलाके में मेरे अड्डे के सामने रहकर कहता है कि मुझे नहीं जानता। तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है,
सब चर्बी उतार दूंगा भाई। इसको बजा डालूं क्या? ए, मुझे किसी का चीखना चिलाना अच्छा नहीं लगता। इसको बच्चा बना देते हैं। तेरे के सामने बोलता हूँ, तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है? ये सवाल मुझसे पूछोगे तो कैसे पता चलेगा? अपनी बेटी से पूछो। ए, तेरी बेटी हर रोज मंदिर जाते समय, बाहर पानी भरते समय, जब वो बाहर फूल तोड़ती है तो तू उसे अंदर जाने के लिए कह देता है। अब अगर ऐसा किया तो काट डालूंगा। तू उसे बाहर भेज दिया कर, तुम बड़े लोग न जाने कब सुधरोगे। प्यार के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, आवारा बीच में खड़े रहते हो। हटो, चलो जाने दो मुझे। होने वाला ससुर है ना, छोड़ दो। ओ मेरा बच्चा। ऊपर कोई बिजनेसमैन आया है क्या? हाँ दीदी। तो ये खाना उसी के लिए है? हाँ दीदी। अच्छा, कितने प्यारे लगते हो सीता। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, इतने सोचने की जरूरत नहीं, टेक योर ओन टाइम। अरे अरे, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, कैसी बातें करता है। ये पकड़ो माँ। माँ, प्यार को उम्र से क्या लेना देना, सिर्फ दिल देखा जाता है। लाओ सीता, चुम्मा लाओ 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 लाओ। आई लव यू। तुम कहो तो मैं खाना पीना छोड़ दूं? बोलो शादी करोगी? सोनू, सोनू, क्या कर रही हो सोनू? लाश को चंदन लगा रहा हूँ ताकि ये बदबू न देने लगे। हुँ? इससे बदबू खत्म हो जाएगी। सब लोग कहाँ पर हैं? लाश को फेंकने के लिए गाड़ी लाने गए हैं, अभी तक आए नहीं। मुझे तो लाश के पास रहने से डर लगता है। जब तक वो लोग नहीं आ जाते हैं, तुम भी मेरे साथ यहीं रहो ना। सोनू, ए सोनू, तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं सीता, इस लाश का क्या करें समझ में नहीं आता, मेरा तो सर घूम रहा है। हाँ सीता, कुछ छोटा मोटा काम करके हम अपना पेट भरते थे, ऐसा काम करना पड़ेगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ कौन बाप कौन हमें नहीं पता, हम लोग तो एक दूसरे के साथ ही बने थे, हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आएगी हमें कुछ भी नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है सीता। मुसीबत आएगी ये सोचते बैठोगे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। पहले ये सोचो कि छुटकारा कैसे पाया जाए, ठीक है? इस पे जो चंदन लगाया वो पहले धो दो। लगता है रात भर पिक्चर देखेगा, इसे नींद नहीं आती क्या? अरे यार, मैं जाकर के लाइट ही बंद कर देता हूँ, तभी ये सोएगा। अरे इस करंट को भी अभी जाना था। ए जल्दी कर, जल्दी कर, मैंने लाइट काट दिए, जाके दरवाजा खोल। हाँ ध्यान से ना, चलो संभाल के आराम से उठा। अरे ये खांसी आ गई, चल चल नीचे रख दे। क्यों बे साले, सो गए थे क्या? अड्डे पर पिक्चर देख रहा था कि करंट चला गया। अच्छा खासा सस्पेंस पिक्चर था ये, साले करंट वाले को तो कल सुबह देखता हूँ। भाई मैं टेबल पे रख दूँ इसको? अरे आजा भाई, क्या पिक्चर निकालता है रामगोपाल वर्मा। अरे वाह क्या डायरेक्टर है, ये कहाँ रहता है यार? रामगोपाल वर्मा है कौन? भाई मैंने देखा नहीं, पर वो शायद मुंबई में रहते हैं। अरे मुझे क्या देख रहा है, चल टीवी देखे। हाँ चल तू इधर आ जा। भाई कौन सी पिक्चर? भाई भूत। वर्मा ने क्या पिक्चर निकाला है? वर्मा पिक्चर निकालते हैं, हम लोग रियल में डरते हैं। अरे तुम तो चार हो, वहाँ कौन उधर सो गया है? हमारे चाचा जी है भाई,
अच्छा मुझे बताए बिना मेरे इलाके में किसी और को लेकर आ गए। चलो उठाओ उसे यहाँ से उठाओ। पूरा बोतल पी करके सो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत। आपका स्टाइल एकदम अलग है ना भाई। वैसे भाभी को शराब पीने वालों से बहुत नफरत है ना भाई, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है ना। बोलो ना। ठीक है कल सुबह उसे मेरे अड्डे पे लेकर आप, पैरों पे गिर के माफी मांगने को बोल। क्या कह रहे हो तुम लोग, लाश को अभी तक फेंका नहीं? उसे घर से बाहर निकाले तो कैसे निकाले, अगर देख लिया तो? सच बोल रहा हूँ सीता, जब हम लोग लाश को लेके आए थे तब इतना नहीं डरे थे। अब क्या करना है सोचा है? अब करेंगे क्या, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, वही सब ठीक करेंगे। लगता है अपने बारे में सब कुछ पता चल गया यार। चलो लाश को कहीं छुपा देते हैं। कहाँ छुपाएंगे, देख लेना उन लोगों को सब पता चल जाएगा। अरे यार लगता है हम लोग पकड़े जाएंगे, अब तो इस लाश के साथ हमारी भी कब्र बनेगी। ए कुछ करो यार, अरे कुछ तो करो यार। दासो, दासो तुझे बुला रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे यार? ए, अबे अच्छा अच्छा बोले यार, कहाँ भागोगे और कैसे? वो लोग सीढ़ियाँ भी चढ़ चुके हैं, अब यहाँ से कूदना पड़ेगा। दासो, दासो। अरे यार वो लोग मुझे ही बुला रहे हैं, मैं जाकर पूछ के आता हूँ, तब तक तुम लोग बाहर मत आना ठीक है? तू अकेला क्यों जा रहा है बे? जिएंगे तो साथ में जिएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। अरे चुप साले, मरूंगा तो अकेला मरूंगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार अब तक तो हम लोग साथ में जिए थे, मेरे लिए तुम लोग बहुत कुछ कर चुके हो, तुम लोग खुश रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बोला ना मैं अकेला ही मरूंगा, हट जा मेरे रास्ते से, हट जा, वो लोग तुझे भी मार डालेंगे। ए दासु तेरा नाम है क्या? चल भाई बुला रहा तेरे को, चल चल ना चल। यार लगता है वो लोग दासू को मार डालेंगे। अरे यार कम से कम अच्छा अच्छा तो बोला कर। अच्छा अच्छा क्या बोलो, वो कोई बकरा है क्या? अबे चुप रहो यार, वो लोग उसे लेकर गए, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ, और तुम लोग डरा रहे हो मुझे। सुन ए, वो बात नहीं है यार। ए, चुप रहो यार। क्यों चुप रहूं? अगर उसे मार पड़ी तो वो सारी बात बता देगा और वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, भाग चलते हैं प्लीज। फिर भी अगर हम उसको इस हालत में छोड़ गए तो अपने बारे में क्या सोचेगा यार? सोचेगा तब जब वो जिंदा रहेगा, अब तक तो उसे मार भी चुके होंगे। चुप बैठना। रुक रुक। ए, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को आना है तो आओ, नहीं तो उसके साथ क्या मरो। मैं जा रहा हूँ। सुन क्या कर रहा है? मुझे मत रोक उसे, जिस आदमी को दोस्ती का मतलब नहीं मालूम उसको रोक के क्या फायदा। क्या डर गए तुम लोग? वो लोग तुम्हें क्यों लेके गए थे? यार लाश के बारे में कुछ पूछा क्या? अबे तू पागलों की तरह हंस रहा है, तेरे लिए हम कितना परेशान हो रहे थे। तुम लोग क्या समझे वो मुझे कहाँ ले गए, मारने के लिए या फिर लाश की पूछताछ करने के लिए? तो फिर सीता की दुकान के पास एक सुम्मो खराब हो गई थी, उधर मेरी ऑटो खड़ी थी, पूछा किसकी है, बोले दासू की, इसीलिए तो बुलाया था मुझे। गांव के बाहर एक फैक्ट्री के पास 500 रुपए देकर गए हैं, उसी से एक बाटल और बिरयानी लेकर आया हूँ मैं। देर किस बात की, दारू पीकर लाश को लेकर आए थे? दारू पीकर करेंगे, चल चल। हाँ ऐसे ही करेंगे, हमें इस लाश से कोई लॉस नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है, खाली भोगट इस लाश को देख कर डर रहे थे। देखो तू उस लाश को कैसे मरा पड़ा है बेचारा। क्या दिन और रख लो, पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि नुकसान। अरे यार ये सोनू क्या बोल रहा था तेरे को पता है? तेरे को लेके गए ना वो लोग तो अब तक तेरा गेम भी बजा डाला होगा। भागने की बात कर रहा था, पूछ इससे। क्या अरे मुझे मारना चाहते हो क्या, मुझे छोड़ कर चले जाओगे क्या, यही है तेरी दोस्ती क्या? यार वो लोग तुझे इस तरह से खींच कर ले गए कि मुझे लगा था कि
तुझे मार डालेंगे वो लोग, इसलिए असल में ये सारी मुसीबतों की जड़ कौन है पता? और कौन है, ये दलाल ही तो है। देखो फिर मुझे बोल रहे हो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सब जरूरी है क्या? क्या है, हर गलती का कारण मैं हूं क्या? कौन कौन? एक तो सड़ेले आइडिया देके अपने आप को जनत समझते तेरी तो। अबे क्या लड़ रहे, तूने मुझे मारा, आज तो तू मेरे हाथ से मारा। ये लाश के बाजू में अगर तुझे नहीं सुलाया तो मेरा नाम भी सोनू नहीं। आज तो तू मरा मेरे हाथ से, लाश के बाजू में सोना। क्यों डरा रहा है भाई मुझे? डरा हुआ क्या डराएगा? अभी तभी तो। हाँ एक मिनट रुक। हाँ एक मिनट रुक। भूत बन गया, भूत भी मम्मी बन चुका है। अरे यार वो बाथरूम करके बाहर आएगा ना। यार भूत यहाँ से गया, वहां से आ रहा है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ करो ना यार। जहां से रुक, रुक। ये क्या, दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? तुम लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हो? लाश कहाँ है, फेंक दिया क्या? बहुत अच्छा काम किया। कौन हो तुम? ये लड़की कौन है? कौन हो तुम? इंसान हूँ। सच में इंसान हो या भूत हो? भूत या मम्मी नहीं हूँ। मम्मी नहीं तो कौन हो? ऐसा क्या देख रहे हो, जवाब दो हमारी बात का। तुम्हारी लाश को कब्र में से निकाल कर हम लोग लेकर आए यहाँ पर। तो तुम भूत नहीं हो, इंसान हो, हम तुम्हारी बात को कैसे माने? मैं मरा नहीं, कोमा में था। कोमा में थे मतलब? मैं मर चुका हूं, ये सोचकर उन लोगों ने मुझे कब्र में डालकर चले गए। अगर अब तक उस कब्र में रहता तो न जाने कब का मैं मर चुका होता। तुम लोगों की वजह से ही जिंदा हूं, इसलिए तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। बाद में तुम इंसान हो के भूत। अब समझा क्या? तुम्हें किसने और क्यों मारा? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे अरबों रुपए के बिजनेस में बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ जिससे मेरे दुश्मन लोग मुझे मारना चाहते थे। तो फिर आप अभी चले जाएंगे? मैं अभी यहां से बाहर जाऊंगा तो
वो लोग मुझे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। अगर उन लोगों को पता चला तो हम लोगों को भी जान से मार डालेंगे। आरे कॉलोनी, मैं इस एरिया में हूँ। उन लोगों को इस एरिया के बारे में पता चलेगा कैसे? मतलब आप लोग बोलेंगे? गुड, अब से तुम लोग मेरा काम करोगे। हम लोग? हाँ, तुम लोग मेरा काम करोगे। हम नहीं करेंगे। सर नीचे करके बात कर रहे हो, कोई गलत काम किया है? इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है तुम लोगों के लिए? मान भी जाओ ना। हम लोग नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? बोलो बोलो। आपके पास तो बिजनेस माइंड है, आप ये काम खुद कर सकते हैं। गुड, मैं मर गया हूँ ये सोच के मेरे दुश्मन सभी आराम कर रहे हैं। मैं अभी जिंदा हूँ ये उन्हें पता चल गया तो फिर से सब मुझे मारेंगे। अभी वो लोग अनजान हैं। आप लोग मेरा काम करेंगे? आपको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो सब लोग मेरे दुश्मन को जानते हैं, वो किसी को मालूम नहीं है, इसलिए तुम लोग करो। इनकी जिंदगी सवार रहे हैं। अगर ये लोग मेरा काम करेंगे तो मैं इनकी लाइफ बना दूंगा। तो हमें क्या करना होगा? मुझे फोन करना है। पब्लिक बूथ बाहर है। मैं बाहर नहीं जा सकता। तो फिर पीसीओ यहाँ पे लगा देते हैं। मजाक मत करो। तो फिर पैसे चाहिए? गले की चैन है। हाँ हाँ है। ए, जाकर लेकर आ। हाँ। आप लोगों को समर्थ नगर मालूम है? कल सुबह 9 बजे वहां जाकर आंध्रा बैंक के मैनेजर से मिलकर ये स्लिप देना और वो तुम्हें कवर देगा। ये लो। देख सीता देख, पता नहीं ये कागज के ऊपर क्या लिखा है। अगर हम इसे बैंक में दिखाएंगे तो हमें मारेंगे जरूर। जो बोला भाई करो। मार, और मार, मार, और जोर से मार, मार, मार। किसी भी पिक्चर में देखो तो हीरो विलन को कैसे धोता है। अगर विलन ना हो तो हीरो किस काम का है? अरे हम लोग एक अलग पिक्चर बनाएंगे जिसमें विलन हीरो को मार डालता है, कैसा रहेगा? वो पिक्चर देखेगा कौन? पब्लिक तो आएगी नहीं। पाजी पाबी आ रही है। है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे। दादागिरी मारधाड़ करोगे तो किसी लड़की का दिल जीत नहीं पाओगे। टपोरी गिरी मत करो वरना टोपी पहनने के लायक नहीं रहोगे, समझे? भाई ऐसा सीन फिल्म में रहेगा, फिल्म सुपरहिट होगी। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अपनी चमड़ी निकल जाएगी। चल चल चल। अरे यार तू जाना। अरे यार ठीक से खड़े रहना। मैं तो ठीक से हूँ। जाना है तुझे तो जा। अरे रुक ना, रुक रुक, भाग भाग जा रहा है। कहाँ भाग रहा है? चल आइए आइए। आइए, क्या बात है?
ये लीजिए। सर आपने जो पेपर दिया था हमने वो मैनेजर को दे दिया और उसने ये कवर दिया हमें। देखो मेरा काम करने के लिए तुम लोगों को कंसंट्रेशन की जरूरत है। मैं जानता हूं तुम लोगों को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। तुम्हारी जो भी जरूरत हो उसे पूरा करूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर मेरे लिए भी कपड़े लेकर आना। ओके सर। हां लाएंगे सर। चल चल लाते हैं। चल चलो। टेक अ चांस टेक अ चांस। डूबा डूबा दिल है डूबा 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 ऐसे है जुस्तजू सबका क्या कहे आरज़ू दिल का। दिल की बात तो दिल जाने दिल की बात तो दिल जाने सबकी यादें तो दिल जाने आजा रे आज ये छाया नशा कोई ना है कम आज तो ना 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 मार डालेगा कैसे तू जान लेगा कोई क्यों। मिलना सबसे क्या कोई नहीं जुदा लोगों से अलविदा छोड़ के मैं चला नहीं किसी में दम क्या करूं जानना सिर्फ रोना धोना ये खाए धोखा ये जाना मना है कोई बॉडी घर लागे सुना फिर लागे सुना सब नया नया है अनजाना। दिन को चाहू ना दिल को यू ना गुस्से से भरा दम से हम जमा दम नहीं जहां खून है सुखा वो आती दिल लगी आता लेट क्या फिर भी अनसुनी है कहा मिट मिट गया मुट्ठी छूट गया वो वो इश्क में नहीं कष्ट कोई तो हाय राम दिल को थाम इतना इजी ना ये दिल देना क्रेजी हो इंसान सब लगे सुना सिर्फ उठे धुआं हर पल लगे यहाँ एक साल लगे सुना सुना धुन सभी नया अब बंदे समा सब मिलके तो लाइट जब चले लाइट हो धुआं लेके तुम्हें यहाँ होगा टे सदा फाइनल में लाइफ वेस्ट होगा वो वो कॉम्प्रोमाइज से लाइफ सेट होगा धन की बात और करो ना रेत का घर होगा रेस के खेल में वो वो मार डालेगा क्यों जान लेगा कोई क्यों। दिल है डूबा 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 है दिल डूबा 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 ऐसे है जुस्तजू सबका क्या कहे आरज़ू दिल का। हेलो मैं अकबर बोल रहा हूँ। मैं अकबर बोल रहा हूँ। मैं अकबर बोल रहा हूँ। आज तुम लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ये सब आपका उपकार है सर। दास कहाँ है? वो नीचे ऑटो पार्क कर रहा है। तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा फॉलो कर रहे हो। तुम लोगों को चार मीनार के पास मक्का मस्जिद मालूम है? वहां पर तुम्हें एक इंसान मिलेगा जो कुर्ता पैजामा और टोपी पहने होगा और कबूतरों को दाना डाल रहा होगा। उसका नाम मसूद है।
ए छोटे हेलो उधर क्या देखता है वो जाने को बोल रहा है हमें बुला के फोन पे लग गया चलो यार चलो अरे क्या हीड़ा है पता नहीं कहां है यार चल मसूद आप ही हैं क्या क्या आओ यही रुको अरे यार मुझे तो लगता है इस इंसान में कोई गड़बड़ है यार मुझे भी डर लग रहा है संभाल कर लेकर जाना ठीक है जाओ खुदा हाफिज मसूद यार बैंक वाले कवर में उतना पैसा था तो इस सूटकेस में कितना पैसा होगा इसमें कितना भी हो हमें क्या है तू चुप रहना तू गाड़ी चलाना बाहर चलिए चलिए अरे यार मेरी बात सुनो इस बैग में जितना भी पैसा होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे ये शहर छोड़कर के दूसरी जगह पर अपनी जिंदगी वो इंसान सेटल कर रहा है ना यार सेटल करेगा यार वो जब करेगा तब करेगा इन पैसों से हम अभी सेटल हो सकते हैं ये सब करना पाप है यार ये अच्छा नहीं है यार अच्छा नहीं होगा वो करोड़ों का बिजनेस करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सही बोला अरे यार इसका कोई बिजनेस नहीं है ये हथियार देखकर तो लगता है देश का कोई गद्दार है ये चलो पता करते हैं चलो यार ये लो क्या है ये सूटकेस मजाक मत करो हम लोग उल्लू नहीं है वो तो दिखाई दे रहा है उसको बोलते क्यों नहीं सुनो तुम ये रूम खाली करके चले जाओ अगर नहीं जाऊंगा तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग हाँ बुलाओ मुझसे पहले पुलिस तुम्हें अंदर डालेगी बुलाओ ऐसे क्या देख रहे हो बुलाओ सच बताओ कौन हो तुम बोला ना बिजनेसमैन हो तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो तुम फसाद करने वाले कोई आतंकवादी लगते हो जो चढ़ा था वो उतरा नहीं क्या अगर उतरा तो मेरे अड्डे पे आकर मुझे नमस्ते करना था बताया नहीं इसे क्यों बे लंबू है तो घमंड हो गया है क्या रे मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है ए मुड़ कर देख इधर ए मुड़ इस तरफ से बोलूं या उस तरफ से बोलूं नमस्ते जिस तरफ से भी बोलूंगा तू जिंदा नहीं रहेगा बीबी बच्चे कोई भी नहीं है छोड़ दो भाई फिर कभी इस कॉलोनी में दिखाई देगा ना इस कॉलोनी में तो क्या शहर में नहीं दिखूंगा भाई पाजी अंदर क्यों आया क्या हुआ भाई बोलो भाई अड्डा शिफ्ट अरे यार मुझे देख के मेरे दुश्मन को डरना चाहिए मेरी जान बचाने वाले तुम लोगों को नहीं इसका मतलब आप हमें कुछ नहीं करेंगे मैं और तुम लोगों को नो नो तुम लोग मेरे अपने ही हो तुम लोग मुझे एक चोर समझ सकते हो लेकिन गद्दार नहीं अभी मैं जिस हालत में हूं मुझे सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है मुझे अपने आप को बचाना है इसीलिए मैंने बंदूक मंगवाई आज काटराज आया कल कोई और आएगा धीरे धीरे सबको पता चलेगा तो मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मन रेडी हो जाएंगे फिर से मरना नहीं चाहता मैं मुझे उन सभी लोगों को मारना है खत्म कर देना है ये लो और तुम भी लो क्यों रे हमें ये शहर छोड़ने के लिए कितने पैसे लगेंगे कम से कम 2000 लगेंगे भाई अब तक 10 रुपये भी नहीं हुए हैं भाई दो ना ए भाई ए भाई दे दो दो ना भाई ज्यादा सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हो अरे मैं थक गया हूं तकलीफ हो रही है तो यहां बैठ जाइए मैं पूजा करके आती हूं और घर जाते वक्त लेके जाती हूं आपको जी भाई ज्यादा जोर से मत चिल्ला इज्जत चली जाएगी दादागिरी करने से अच्छे तो भीख मांगते हुए अच्छे लग रहे हो मेरी बात सुन
मैं तुझे भीख दे के जाऊंगा, ये ले। तेरी तो पहचाने वाले लोग इधर ही आ रहे। अरे चुप चुप जा, तुमने मुझे पहचान लिया क्या? तुम जहाँ भी रहो कहीं भी रहो तुम्हें हजारों लोगों के बीच पहचान लूंगी। ये लो ये फूल, देखकर अपने प्यार का इजहार कर गई। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे। 50 60 70 क्या लाई हो सीता, चाय है? नहीं कॉफी है। अच्छा थैंक यू सीता, कॉफी बहुत अच्छी है। कुछ भी हो यार, तुम लोगों ने सीता के पास बहुत उधार कर दिया है। सीता खाना भी बना लेती हो क्या? खाया समझो वो तो गया। आज मटन खाने का मन है। कोई बात नहीं सर, अपनी गली में एक दुकान में जाकर ले आता हूँ। मैं एक दुकान जानता हूँ, वहां से लेकर आओ तुम लोग। हेलो। हेलो सर, क्या मटन की दुकान मिली? हम लोग वहीं पे हैं सर। सूप बोनस है क्या? पूछो सूप बोनस है क्या? है। कितना चाहिए? 1 किलो देने के लिए बोल। नहीं, 1/2 किलो है। ठीक है लेके आओ। लीजिए। साहब मस्तान मर गया साहब। कौन कर रहा है ये सब? कल मसूद, आज मस्तान, कौन कर रहा है ये सब? नहीं मालूम साहब, कौन कर रहा है ये सब? साला कुत्ता। वो कुत्ता नहीं, शेर है। शेर, शेर जब पीछा करता है तो 2 कदम पीछे जाकर वो अपने शिकार पर पंजा मारता है, पंजा। मुझे तो अभी भी शक हो रहा है ये सब कुछ वही कर रहा है, वही। वो तो मर गया है साहब। ये बात तुम्हें किसने बताई? लोकल आदमी साहब। जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ, जाओ जल्दी लेकर आओ। नहीं, वो अभी तक जिंदा है, वो अभी तक जिंदा है। नहीं साहब, उसको मार के कब्र में डाल दिया हमने। तुझे यकीन है कि वो कब्र में ही होगा? हाँ साहब। वो वाकई में मर चुका है? हाँ साहब। देख के आओ। वो इधर ही है साहब। है क्या? बराबर देखा है ना? हाँ साहब। समझ में नहीं आ रहा है फिर ये है कौन? ओए, असल में वो है कौन पता लगाओ। शोले फिल्म में जब गब्बर वीरू और बसंती को पकड़ लेता है तभी वहाँ पर अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। अगर किसी ने हल्ले की कोशिश की तो फोन कर रख दूंगा। तभी गब्बर की हालत खराब हो जाती है और सारी पब्लिक अमिताभ बच्चन की ऐसी एंट्री देखकर खुश हो जाती है, ताली बजाती है, सीटी बजाती है। अबे चुप कर। टिकट ली थी पिक्चर देखने के लिए, अब ब्लैक में बेचने के काम आएगी और ऊपर से मुझे कहानी बता रहा है। क्या रे, तुम लोग पिक्चर देखने जा रहे हो? चल चल जल्दी, नहीं तो फिल्म निकल जाएगी। चल जल्दी चल। चलो चलो चल जाएगी, जल्दी चलो। चल टिकट ले लेते हैं। चल टिकट ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर, टिकट लिया है ना? नहीं सर, अभी तक नहीं लिया है। नहीं,
ऑटो में सूटकेस रखा है, उसे लेकर आओ। सर ऑटो में क्या? ऑटो में कोई सूटकेस रखा है? सूटकेस किसने रखा है यार? हमें क्या करना है, हमें चलने के लिए कहा है? चलो ऐसा करते हैं हम लोग, एक बार सूटकेस को खोल कर देख लेते हैं यार। एक बार खोल के देखा तो बहुत गाली देना है, चुपचाप चले चलो। उसमें क्या, चलो खोल कर देखते हैं। चलो देखते हैं। अबे तू अपना मुंह बंद कर, उस दिन हम लोगों ने वो सूटकेस खोला था उसमें बुलेट और गन निकली थी, आज अगर उसमें बॉम्ब होगा तो कितना टेंशन देता है। तुम लोगों ने कहा कि बॉम्ब होगा, बोला था टेंशन मत ले, ये सूटकेस खोल के देखना ही अच्छा रहेगा, उससे बात करते वक्त नजर मत मिलाना। तो फिर क्या करें? आइडिया तुम लोगों ने अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ ली? इसमें बम है क्या? उस दिन सूटकेस के अंदर गन और बुलेट निकली थी, आज अगर बम होगा तो हम सबकी वाट लग जाएगी यहाँ पे। सूटकेस के अंदर सूटकेस, इसके अंदर बम है क्या? तुम देश के गद्दार हो, आतंकवादी हो तुम। रुकिए, अगर आप वाकई में टेररिस्ट नहीं हैं, तो इन लोगों से ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं? कोई ना कोई वजह तो जरूर है, आप हमें बताइए। इस देश के बच्चों की मुस्कुराहट के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं मैं। सोनी, डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। अरे जल्दी करो यार, तुम दौड़ो दौड़ो, क्या कर रहे हो? जल्दी 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 करो। हेलो, वन मिनट सर। हेलो, आ रहा हूँ। कितना सर? टैंक फुल कर दो। साहब साहब, पेट्रोल पंप है साहब। हाँ? ओ सिट सिट, वो टेंशन में था ना, मैं भूल गया था कि ये पेट्रोल पंप है, सॉरी। तुम आकर अगर मुझे रोकते नहीं तो वाकई मैं सिगरेट पीने जा रहा था। हाँ साहब। अगर आज तुम वक्त पे नहीं आते तो मैं सिगरेट पीने के लिए आग जलाता और सब खत्म हो जाता। सही साहब। तुम्हारा नाम क्या है? सलीम साहब। अकबर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। तो फिर तुम्हें नहीं मालूम? पता नहीं साहब। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। साहब आप कौन हैं साहब? ये प्रकाश है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझ पर यकीन कीजिए साहब। ठीक ठीक है, बताता हूँ साहब। Thank you.
कितने में चला रहे हो? 80 सर। स्पीड बढ़ाओ। यस सर। तेरी कैसी भी सेना रह रहे, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जैसे कितने आकर खाली हाथ चले गए और हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सके। काई को देश देश करता है, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हाथ मिला के जिहाद करो। ए, मेरी माँ ने तुझे पैदा किया है या तेरी माँ ने मुझे? मैं तो भारत माता का बेटा हूँ। आई एम इंडियन, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे देश में प्यार मोहब्बत है, जात पात नहीं। भारत माता के बेटों के बीच सिर्फ प्यार, इंसानियत और कुर्बानी रहता है। ए, ए, बता रे। पांच मिनट ठहरो रे। मंत्री की बेटी किडनैप हुआ करके फ्लाइट हाईजैक हुआ, फोन करके क्या बोल रहा है? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है सर। कोई प्रॉब्लम है क्या बे? तुम लोग ही प्रॉब्लम हो। क्यों मरना चाहते हो तुम लोग? मरना इतना आसान नहीं। जिहाद के लिए हम लोग यहाँ तक जिंदा लौट कर आए हैं। तुम लोग सुधरोगे नहीं साले। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। कोई घबराने की बात तो नहीं डॉक्टर? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं प्रकाश। आपके हाथों में कैंची और हमारे हाथों में बंदूक बहुत खुजली होती है डॉक्टर। कभी डिस्चार्ज करेंगे? शाम तक वापस ले जाओ। थैंक यू डॉक्टर। ओके बाय। डिस्चार्ज होते ही बस वो सर, 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 एक मिनट। ओके ओके, कैसे हुआ सर? सर कुछ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्लीज प्लीज प्लीज, हर बार एक ही बात बोलना चाहिए, हमें जाने दीजिए प्लीज। बेटा किस लिए जान पर खेलता है तू? तुझे इस तरह देखकर मुझे बड़ी चिंता होती है। ये सब ठीक नहीं है। इस तरह का काम करने से क्या फायदा? मेरी बात मान, तू एक अच्छी सी शादी कर ले और ये काम छोड़ दे। लगता है मैं तेरी शादी देखे बगैर ही मर जाऊंगी। तू कब मरेगी बोल, तभी मैं शादी करूंगा। देख ऐसे टेढ़े जवाब मत दे। टेढ़े जवाब नहीं दे रहा, तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ। प्रकाश के बारे में जानने के बाद भी ऐसा कह रही हूँ। वो तो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर देश को सुधारने के लिए बाहर निकला है, इसीलिए तो जी रहा है। मुझे क्या, मैं तो सबको नहीं छोड़ सकती ना। नहीं, आप उनके बारे में ऐसा मत बोलो। ए सुन, तू क्या भगवान? वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। आइए आइए बैठिए। क्या है नानी, आज तो आप बहुत गर्म है। नहीं तो तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं चाहिए नानी, आप इतनी गर्म है तो चाय कितनी गर्म होगी। एक गिलास लस्सी लेकर आइए। अब कैसी तबीयत? फाइन सर, कल रिपोर्ट कर दूंगा। गुड गुड। हेलो सर, अभी कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। मैं ठीक है सर, अपना ख्याल रखना। ओके सर। लीजिए। होम मिनिस्टर का फोन है, फार्म हाउस में आ रहे हैं। ठीक है। यस सर। टेक केयर है। यस सर। आप यहाँ रह के इनको क्या चाहिए देखिए। नानी आता हूँ। ठीक है बेटा। हो गया? आज इंसान पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करता। आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं सब देख लूंगा। लो। वो पैसों के लिए नहीं रुकता साहब, बीवी बच्चे मरते वक्त भी अपुन का पीछा नहीं छोड़ा, सब ग्रुप को मार डाला, उस बीच में मैं अकेला ही बचकर बाहर निकल के आया हूँ। We'll be right back.
साले, उठा, उठा। जल्दी से उठा, उठा, उठा रे साले। हेलो, छोड़ दो उनको। छोड़ दे साले, छोड़ दे। तू कौन है बे साले? तेरा बाप हूँ। छोड़ दे उनको। नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो तेरे बेटे को खत्म कर दूंगा मैं। सुन ले, डैडी, नहीं, नहीं, डैडी, नहीं बेटा। सुन लिया? मारो, मारो। इस देश के लिए मेरे बेटे की जान भी चली जाएगी तो भी मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगा। डैडी, बेटा, बेटा। तूने मेरे आदमी को मारा और मैंने तेरे बेटे को मार दिया, हिसाब बराबर। अब मेरे उन आदमियों को छोड़ दे वरना तेरी बीवी को मार डालूंगा। छोड़ दे। क्या मजाक कर रहा है साले? क्या सर ऐसे देख रहे हैं? इन सारे लोगों के पैसे कहाँ जाएंगे सोच रहा था। फार्म हाउस के लायक हो गए। हम लोग भी इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा सर। अगर हम लोग इलेक्शन में खड़े हो गए तो खुद का घर बेचना पड़ेगा। इस बार लोग भाग गए, नायक को देखा नहीं, पैसों से ही वोट डाले। आओ प्रकाश, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये क्या, इसने सरेंडर कर दिया? नहीं, आपसे बात करने के लिए। बैठो ना, बैठो। तुम्हें इसलिए बुलवाया कि तुम ड्यूटी पे नहीं हो। एक ऑफर लाया हूँ तुम्हारे लिए, ले लो। हाँ ले लो, शर्माओ मत। ड्यूटी बोल के बुलाया नहीं करके आपको बोला था ना। देखो प्रकाश, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, पर मेरे आदमी को छोड़ दो। तुम उसे ढूंढ रहे हो, हमें पता चला। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं करोगे तो मालूम है ना हम लोग क्या कर सकते हैं। हम जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। तुम चाहो या ना चाहो, मैं देश को हिला सकता हूँ। नहीं नहीं बाबू, नहीं। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। ऐसे बेटे को पैदा किया है तुमने, पहले तो तुम्हें मारना चाहिए। तुझे क्या करूँगा, देख कुत्ते देख। किसी को भी फोन कर, तू मेरा एक भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा, तुझे भी मारूंगा और इन दोनों टेररिस्टों को मारकर कल सुबह प्रेस और पब्लिक के सामने मैं ये घोषित करूंगा कि मैंने इनका एनकाउंटर कर दिया। क्या करूं उसका? वो जब तक जिंदा है हमें कोई चाल चलने नहीं देगा। उसे कैसे भी मारना पड़ेगा, लेकिन कैसे? साहब, मेरे पास एक अच्छा आदमी है, उससे काम कराएंगे साहब। जो भी करना है जल्दी करो, वरना वही हमें मार डालेगा। सर, आज मेरा शादी का दिन है। बधाई हो, हैप्पी मैरिज डे। शुक्रिया सर। कांग्रेट्स। सर, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू सर। सर, मैं अपनी बहन की पसंद का कुछ ले लूं। ठीक है, बहन को भी पसंद आना चाहिए। यहाँ पर तो अच्छी तरह से शॉपिंग हो सकती है। अब अभी शादी करेंगे?
आपका शादी का क्या विचार है? सर लड़की अभी बीए कर रही है, वो पूरी होगी तो करूंगा। पढ़ाई से शादी का क्या लेना? मुझे देखो, मैं तो 12वीं में लाइन मारता था और 13वीं में 3 को पटाया। 3 बार सर? हाँ, मेरी बीवी पेट से थी। तो तुम क्या? शादी मतलब अच्छा नहीं है सर। तो प्यार बर्बादी है? नहीं सर, देश के लिए जान दूंगा। अभी तक तुमने लड़की से प्यार नहीं किया तो देश से क्या प्यार करोगे? हा? कल से यही काम करेंगे। सर ये पैक कर दो। तुम लोग ऑफिस चलो, शाम को पार्टी में चलेंगे, ठीक है? सर। रियाज, हमारा पीछा कोई कर रहा है। तुम उधर देखो। सर्च। इस तरफ देखो। सर, हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमें संभल के रहना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जरा इंतजार करो। देखो तो हेलो। आ भैया, कैसे हो? ठीक हूँ। गुड। मैं तुम्हारे लिए मैरिज का गिफ्ट लाया हूँ। हैप्पी मैरिज लाइफ। थैंक यू भैया। सच में ये छोटा गिफ्ट है, आप मेरे घर में आए यही बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं होते तो हमारी शादी नहीं हो सकती थी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। नहीं बहन, थोड़ा काम है, आता हूँ। थोड़ा तो रुकिए सर। अरे तुझे तो मालूम है ना, किसी एक को मारूंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। आज तुम्हें कोई काम नहीं है, चलता हूँ बहन। बाय। ए, रोड के ऊपर झगड़ा करते हो, हैं? शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से। यूजलेस फेलो। भाई मरा है कि नहीं, एक बार और चाकू से मारूं क्या? नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी, कवर बनाया तो मर जाएगा। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, एंटी टेररिस्ट ऑफिसर प्रकाश हूं मैं। हमें माफ कर दीजिए सर, अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे सर, मैं वादा करता हूं आपसे। हेलो। ओके। मूड खराब हो गया मेरा। आपका मूड ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम सब ढाबे में जाकर खाना खाएंगे। हम लोग बाहर जाएंगे? बताता हूँ।
चुका सिंह, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जो बोलूंगा वो करोगे तो फायदे में रहोगे। तुम्हें ये देश छोड़कर दुबई या सऊदी अरब जाना होगा, आराम से जी सकते हैं। इस सिटी के मेन मेन जगह पर अटैक करना होगा, करोड़ों से ज्यादा मरना चाहिए, सब लोग बुरी तरह डरना चाहिए, ये शहर पूरा बर्बाद हो जाना चाहिए, पूरा स्टेट मेरी मुट्ठी में आना चाहिए। इस काम के लिए मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। काम का सामान तुम्हें मिल जाएगा, ब्लास्टिंग मटेरियल्स इस सिटी को उड़ाने के लिए, और कल शाम से ही अपना ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। और ये तुम देखते जाना, सिटी के हर जगह बम होगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देखते रहना, गुंडों से तबाही मचा देंगे। मुझे इस काम के लिए बस तुम चाहिए कासिम। इस काम के लिए तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, मेरे सारे आदमी तुम्हारे साथ होंगे, कोई शक नहीं करेगा, वो तुम्हें अपने ही आदमी समझेंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा, कोई सवाल नहीं, चेकिंग नहीं। क्या हुआ सर, अभी तक जाग रहे हो? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तुम सब लोग उठो और तैयार हो जाओ। हे राजू, हे पोगो, हे उठो, अरे यार, उठो। क्या हुआ? क्या यार, वो गली का गुंडा कारपोरेटर कासिम तुम लोगों को मालूम है? हाँ हाँ जानते। तुम लोगों को उसे किडनैप करना है। किडनैप? हम यस, मेरे लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? ये जो क्लब है इसमें 10 बजे कारपोरेटर कासिम आएगा, तुम लोग पहले से ही पार्किंग एरिया में रहोगे, वो कासिम गाड़ी रोक कर बाहर आएगा, तभी उसके ऊपर अटैक करो। कासिम मतलब कोई आम इंसान नहीं, बहुत खतरनाक इंसान है, उसे पहले से ही मालूम पड़ा तो वो तुम लोगों को मार डालेगा। अपनी सेफ्टी के लिए ये रिवाल्वर रखो। तू इधर आ जा, मैं पार्किंग में हूं। हाँ कहां लेके जा रहे हो? रुको रुको, ए सर सर सर, मालूम नहीं सर, सर को कौन किडनैप करके लेके जा रहा है? हेलो सर, हमने उसको किडनैप कर लिया सर। वेरी गुड, उसको लेकर अड्डे पे पहुंचो। मरा नहीं, जिंदा है वो, जिंदा है वो। नहीं साहब, वो तो मर चुका है, उसकी फोटो पे। तूने उसका सर देखा है क्या? अरे उसको मरे हुए ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता भी नहीं हुआ, अरे उसकी लाश को अभी कीड़ा तक नहीं पड़ा होगा, और तूने कैसे देखा रे बदतमीज? कौन है वो? कौन हो सकता है वो? बस एक बार मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा। रियाज। यस सर। कहाँ हो तुम? कंट्रोल रूम में सर। तुम्हारी वाइफ सेफ है? ठीक है सर। सीता? हाँ छोटे सर, तुम दुकान पे जल्दी जाओ और चाय की दुकान से सीता को जल्दी से हटा दो। ओके ओके सर। Thank you.
ए, वो तो अपनी सीता है यार। छोड़ो मुझे। राजू सीता को क्या हुआ? सीता को कोई किडनैप करके गाड़ी में लेके जा रहा है सर। शिट। वो गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी है। सबके पीछे प्रकाश ही है, ढूंढो कहाँ है वो। इन्हें पूछोगे तो बताएंगे नहीं, इनमें से एक को मार डालो। क्या देख रहे हो, मार डालो साले को। प्रकाश के बच्चे को ढूंढ निकालो, ढूंढो उसे। लड़की को कुत्ते की बात मार दूंगा। प्रकाश भाई बाहर निकल। ए, लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं बोल देता हूँ, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। कॉर्पोरेटर हमारा आदमी नहीं, तेरा आदमी है। तू मार डाल उसे, नहीं तो मैं मार देता हूँ। प्रकाश चले जाओ यहाँ से, वरना इस लड़की को मार डालूंगा। मार डालो उसको। क्या इस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं तो तुम उसे मार डालोगे। मारो, मार डालो उसको। एक जान के पीछे मैं हजारों लोगों की जान को कुर्बान नहीं करवा सकता। Yeah!
मारो सर, मार डालो सर। ये जात पात के नाम पे अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को अपने काम के लिए रखता है। इस साले के लिए मैंने आपका साथ छोड़ा सर, मैंने आपका साथ छोड़ा। लीजिए सर, मुझे छोड़ दो। लीजिए इसे, ये लीजिए, इसे मार दीजिए। समझ में आ गया? ये देशभक्त जो होते हैं वो देश के प्रति प्यार करते हैं। ये तेरे किसी काम नहीं आएंगे। मारिए सर इसे। मुस्लिम होकर इसने ये सब कुछ किया, मुझे शर्म आ रही है कि मैं मुस्लिम हूँ। इसने मस्जिद में बम रखा, इसने मंदिर में बम रखा, इसने चर्च में बम रखा, इसने मक्का मस्जिद में बम रखा। ये मुस्लिम कहलाने के काबिल नहीं है। इसे जान से मार डालिए। इसने मुस्लिम कौम को बदनाम करके रखा है सर। इसे जिंदा मत छोड़िए, जला दो इसे, जिंदा जला दो इसे, मार डालो इसे, मार दो इसे। बोलना मत सर, मार दीजिए सर, इसको जिंदा मत छोड़िए, जिंदा मत छोड़ो सर, मार दीजिए, मार डालिए। सुन रहा है उमर तू? इन सारे लोगों के जलते हुए दिल क्या कह रहे हैं? तेरा खून देखना चाहते हैं। यही है मेरा देश। यहाँ पर तेरे जैसे कुत्ते कुछ करेंगे, ऐसा सोच कर अगर यहाँ पर आएंगे तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, तू मरेगा। फिनिश।